शुभ समाचार लेकर आया हूँ युवराज। तो फाइनली दोस्तों, द बिगेस्ट हिस्टोरिकल फिल्म PS2 और पोनियन सेल्वन 2 ने आज 4 दिन कंप्लीट कर लिए हैं बॉक्स ऑफिस पर। और क्या सुपर ट्रेंड करते हुए लोगों के दिलों में राज कर रही है मूवी। तो आज बात करेंगे फिल्म टोटल कितनी कमाई कर रही है, पब्लिक को ये हिस्ट्री कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, पहले दिन कितनी कमाई करी और टोटल कितनी कमाई कर सकती है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी PS2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें द बिगेस्ट हिस्टोरिकल फिल्म PS2 यानी पोनियन सेल्वन 2 की, तो यस, मनी रत्नम जी के डायरेक्शन में बनने वाली इंडिया की बिगेस्ट हिस्टोरिकल फिल्म है जो फुल रियलिटी बेस पर बनाई गई है। जी हाँ, PS2 को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मूवी में रियल चोला एम्पायर की कहानी को दिखाया गया है और मूवी में फुल पॉलिटिकल ड्रामा है, कैसे सत्ता हड़पने के लिए एक से बढ़कर एक षड्यंत्र खेले जाते हैं, सब कुछ बता दूं तो मूवी को बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ सजाया गया है, जिसमें आपको चिया विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन लीड रोल में दिखेंगी। बाकी कार्थी, त्रिशा, ऐश्वर्या लक्ष्मी, जयराम रवि जैसे दिग्गज स्टार आपको सपोर्टिंग कास्ट पर देखने को मिलेंगे। बता दूं तो दोस्तों, लगभग 350 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली PS2 को पूरी दुनिया में लगभग 4500 स्क्रीन पर रिलीज कराया गया था, जिसमें अपने पहले दिन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग लेते हुए मूवी ने लगभग 68 करोड़ की बिग ओपनिंग ली थी। और इस साल की जॉइंट ओपनिंग लेने वाली फिल्म पठान का रिकॉर्ड इंडियन बॉक्स ऑफिस से खदेड़ दिया था। इसी के साथ दूसरे दिन भी धमाकेदार ओपनिंग लेते हुए इस फिल्म ने लगभग 65 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था। इसी के साथ पहले 2 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 135 करोड़ के ऊपर जा चुका था इंडियन बॉक्स ऑफिस से। दोस्तों, PS2 को ओवरसीज में भी काफी पसंद करा जा रहा है। लेकिन उससे पहले बता दूं तो तीसरे दिन भी जबरदस्त स्ट्रांग होल्ड करते हुए लगभग इंडियन बॉक्स ऑफिस से 32 करोड़ नेट कमाए थे और एक बार फिर ग्रॉस इंडियन कलेक्शन से लगभग 40 करोड़ का जबरदस्त आंकड़ा टच किया था अपने तीसरे दिन में। वहीं अमेरिकन बॉक्स ऑफिस से लगभग 7 करोड़ का कलेक्शन रहा अपने तीसरे दिन। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 16 करोड़ करते हुए ऑल ओवर वर्ल्ड से कमाई अपने तीसरे दिन में लगभग 55 से 56 करोड़ के आसपास होल्ड करते नजर आई थी मूवी। इसी के साथ पहले 3 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरी दुनिया से लगभग 180 करोड़ के ऊपर आंकड़ा जा चुका था। दोस्तों, फिल्म बहुत अच्छा ट्रेंड करते हुए रोज धमाकेदार आंकड़ा सेट कर रही है। फिल्म को अच्छे रिव्यू मिलने के कारण बॉक्स ऑफिस पर कमाई रुकने का नाम ले ही नहीं रही है। एक सुपर हिट ट्रेंड का थप्पा लेते हुए PS2 पहले 3 दिन में अपनी लागत वसूलने की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ रही है। बात करें आज यानी अपने 4थे दिन में कैसा ग्रो कर रही है मूवी, तो यस, मॉर्निंग से ही एडवांस में 24 से 25% की ऑक्यूपेंसी के साथ इवनिंग और आफ्टरनून में भी अच्छा खासा आंकड़ा सेट कर रही है। जी हां दोस्तों, लगभग 16 से 17 करोड़ का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाई है और काफी रिकॉर्ड्स को अपने नाम करा भी है। साथ ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 से 26 करोड़ का आंकड़ा सेट करते नजर आ रही है पूरी दुनिया से पहले 4 दिन में, और लगभग 206 करोड़ के ऊपर सेट करते नजर आ रही है आंकड़ा अपने पहले 4 दिन के कलेक्शन में। तो दोस्तों, नो डाउट मूवी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, मूवी 500 करोड़ से ऊपर बिजनेस कर पाएगी? दूसरा, अगर आपने भी PS2 देख ली है तो मूवी आपको कैसी लगी, कौन लोग सर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।